हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पेड ट्यूशन के कुछ एग्जांपल फॉलो किए थे और उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पेड ट्यूशन के रूल्स पढ़े थे। आज हम कुछ एग्जांपल और सॉल्व कर रहे हैं। पेड ट्यूशन के अंदर दिस इज माय पेन, दिस इज माई पेन। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि सेंटेंस को हमें रीड करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कौन सा है, कि वो सिंपल सेंटेंस आ रहा है या फिर नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम दो ही प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे और हमें दो ही प्रकार के सेंटेंस देखने के अंदर कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर सेंटेंस नेगेटिव है। दिस इज माई पेन, इसमें न तो कोई नेगेटिव वर्ड्स आ रहा है और न ही इसके अंदर नोट का यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस हो पॉजिटिव। और जब हम पॉजिटिव सेंटेंस का एक क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उस हेल्पिंग वर्ब को राइट करेंगे। तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इस हमने लिखा। सेकंड देखो कि अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें नोट का यूज करना है, तो इस सेंटेंस को अगर अपन नोट का यूज करते हैं तो इज प्लस नॉट। देखो इज प्लस नॉट को हम जब बनाएंगे तो ये बनेगा इजंट, तो ये हो गया इजंट। और फिर आपको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, सिंगुलर है या प्लुरल है, आपको देखना है सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट क्या है। अगर जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लिखना है, दिस और दैट। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि दिस आता है या फिर डेट आता है तो उसका प्रोनाउन इट होता है, तो इसका जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो होगा इजंट इट। ये हमारा टेक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज माय कार, दैट इज माय कार। वही बात, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसमें इज प्लस नॉट, इजंट और फिर दिस और दैट, दिस हो या फिर दैट हो उसका प्रोनाउन इट होता है, तो ये हो गया इट। थर्ड, दीज आर नॉट माई बुक्स, These are not my books. ये मेरी पुस्तकें नहीं हैं। These are my books. ये मेरी पुस्तकें हैं। तो वही बात, सबसे पहले आप देखो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आर, ये हमने लिखा आर। सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव, सेंटेंस में नोट का यूज हो रहा है, सेंटेंस नेगेटिव है तो हम नोट को रिमूव कर देंगे, यानी कि नोट का यूज नहीं करना है। फिर प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा दीज, तो these और those होता है तो हम उसका प्रोनाउन लिखते हैं दे, तो ये हो गया these आ रहा है तो यहाँ पर ये रहेगा दे, यहाँ लिख रहा हूँ these, those, इसका प्रोनाउन होता है दे। these और those दोनों टे में चेंज होते हैं, these are not my books, इसका डेफिनेशन बना आर दे। थर्ड, I am not a student. I am not a student. वही हेल्पिंग वर्ब am और फिर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसमें नोट का यूज करेंगे, नहीं नोट को रिमूव करेंगे, तो am और फिर प्रोनाउन I, क्योंकि I पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए इसका हो गया am I। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा होता आई एम ए प्लेयर, आई एम ए प्लेयर, तो देखो सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब एम इधर लिखा एम प्लस सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हमने इसमें नोट का यूज किया, तो
तो एम प्लस नॉट क्या बनता है आर एम, एम प्लस नॉट बनेगा आर एम। तो यहाँ पर ये एम है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें उसे नेगेटिव में चेंज करना होगा, तो एम और उसमें नेगेटिव में चेंज करने के लिए नॉट एड किया, और जैसे ही हमने नॉट एड किया एम प्लस नॉट बन जाता है आर एम। तो ये हो गया आर एम। और आई प्रश्न पढ़ाओ ना, ये चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा आर एन आई एस का डेफिनेशन हो गया। तो हमें ये है कि अगर एम प्लस नॉट यानी कि एम नॉट आता है तो आपको उसको एस को ही रखना है, और अगर एम प्लस नॉट यानी कि पॉजिटिव आता है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे, वो आर एन में चेंज होगा, तो इसका हो जाएगा आर एन आई। नॉन इज coming here. No one is coming here. अब इसमें देखो कि सबसे पहले हम लेंगे is, यानी कि helping verb हमें लिखना है, तो helping verb में is, अब इसमें यहाँ पर हमने लिखा is, फिर sentence positive negative, तो यहाँ पर जो no one आ रहा है ये no one negative word का भी काम कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड भी है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट का रूप भी रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ। तो हमने यहाँ पर लिख रखा अब नो वन, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी वर्ड के एंड में वन या फिर बॉडी लगी हुई हो तो वो उसका जो प्रोनाउन होता है वो दे होता है, तो जो नो वन है इस नो वन का जो प्रोनाउन होगा वो होगा दे। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ड इज आ रही है लेकिन इसका प्रोनाउन हुआ दे, तो हम यहाँ पर ये दे तो प्लूरल हो गया और इज ये सिंगुलर हुआ, तो ये मेल नहीं खा रहा, मेच नहीं खा रहा, इसलिए हम यहाँ पर क्या है दे को चेंज कर नहीं सकते कि इसको हम सिंगुलर चेंज कर दें। हम यहाँ पर जो इज एम आर है ये इज सिंगुलर है तो हम इसकी जो प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ड है वो यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर, यानी कि इस दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आर है वो आर इसलिए आया इस दे के अकॉर्डिंग, इसलिए इसका डेफिनेशन हुआ आर दे। कुछ नहीं